नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने अनाउंस किया है, डिविडेंड का अपडेट दिया है एंड फिर दिया है इंपॉर्टेंट डेट अनाउंसमेंट किया है। ओके, सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर बाय द कंपनी। उस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल, कंपनी का थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रिस्क है, क्या इस जगह पर हम लोग को बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नालको जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नालको मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है अल्यूमिना एंड एल्युमिनियम, और ये देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी से नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट अल्यूमिना एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। ओके, सो एल्यूमिनियम से रिलेटेड इनका काम है और मार्केट कैप देख सकते हैं 17,081 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का पीवाई देखिए रेशियो 13 का, काफी ल्यूक्रेटिव लेवल है और मल्टीपल में मिल रही है। इंडस्ट्री का पीवाई 28 का है, उससे ये काफी नीचे भी ट्रेड कर रही है। ओके, आरओसी 15.1 का है, प्योर स्कोर उतना अच्छा नहीं है, 8-9 के राउंड में रहता तो बेटर रहता और अच्छा लगता, फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर ये 8 और 9 के करीब में होता तब। ओके, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 1,315 करोड़ का प्रॉफिट है। ओके, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी का डेट जो है 105 करोड़ का है और प्रमोटर का स्टेक 15.3 का है, आरओई 12% है और ईपीएस कंपनी का 7.16 का है। ओके, फेस वैल्यू 5 है। सो अभी एक देख सकते हैं, बुक वैल्यू जो रहता है 72.1 है, उसके काफी करीब ये ट्रेड कर रही है। तो ये था ब्रीफली अबाउट द कंपनी। कंपनी का चलिए फटाफट अभी चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट कैसा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा ठोक पीट करके करना चाहिए। ओके, रिजर्व्स देखिए कम से कम, ठीक है। तो ये देखिए 10,426 हुआ करता था, अभी हाईएस्ट रिजर्व्स कंपनी के पास है, 12,320 करोड़ का है, आप देख सकते हैं हाईएस्ट है। ओके, और बोरिंग में देखिएगा तो बहुत ही नाम मात्र का 100, 105, 77, तो बहुत ही कम बोरिंग है कंपनी का। एंड एसेट देखिए जबरदस्त इंप्रूव ही कर रहा है, देखिए 7,343 है, 7,303, ये दोनों को जोड़ी तो 7,303 है, 7,303 और प्लस 3,269, तो अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं लगभग 10,000, 10,569 के अराउंड में इनके पास एसेट्स है। तो एसेट कंटिन्यूअस अगर आप दोनों को जोड़िए, फिक्स एसेट को जोड़िए और सीडब्ल्यूआईपी कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस दोनों को जोड़िएगा तो आपका एसेट निकल जाएगा, और उसमें देखिए आपको कंटिन्यूअस इसमें एसेट में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो कंपनी अपनी ग्रोथ को लेकर के काफी पॉजिटिव है, एंड प्लस कंपनी डिविडेंड भी का अनाउंसमेंट रेगुलर हमेशा करती रहती है, डिविडेंड के लिए काफी फेमस है स्टॉक। शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो ये देखिए प्रमोटर का स्टेक 51.28, काफी लंबे समय से ये कांस्टेंट मेंटेन्ड है। यहाँ पर एफआईआई ने थोड़ी बिकवाली की है, अभी लास्ट क्वार्टर में देख सकते हैं 14.95 से गिर करके 13.68, तो खरीदा किसने है, तो खरीदा है हमारे डीआई ने खरीदा, देख सकते हैं 15.38 से बढ़कर के 17.47, और पब्लिक अस्टिक भी यहाँ पे पब्लिक ने भी बिकवाली किया 18.40 से गिर करके 17.57। तो देख सकते हैं पब्लिक अस्टिक जहां पर 31.52, 31-30 के ऊपर रहता था, वो गिर करके अब मात्र 17 रह गया है, और डीआई का अस्टिक जो 9 रह हुआ करता था वो बढ़ करके 17 हो गया है। एफआईआई का स्टिक 77 था वो 13 हो गया, तो एफआईआई डीआई का स्टिक कंटिन्यूअस देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है और पब्लिक यहाँ से भाग रही है, इसका मतलब क्या है, शेयर भी भाग सकता है, इसलिए ध्यान से पकड़ कर रखना है शेयर को। ओके, कंपनी का चार्ट को अगर चेक करते हैं तो ये देखिए कंपनी का चार्ट है, वीकली चार्ट है, लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर 66-67 के रेंज में ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट काफी क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। सपोर्ट जो रहेगा अगर किसी तरीके से अगर आप बाइंग करते हैं तो ये देखिए ये सपोर्ट जो रहेगा 84-86 के रेंज में रहता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो फिर ये डब्बे के अंदर में ट्रेड करिए, बॉक्स के अंदर में ट्रेड करेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक ये सपोर्ट के 84 के ऊपर में है तब तक काफी बुलिश है ये, और फिर ऊपर और जाने का ताकत है। इसके में कब अच्छा मोमेंटम होगा, जब ये 100 के 100 के ऊपर जब ट्रेड करने लगेगी तो काफी अच्छा मोमेंटम इसमें फिर से स्टार्ट हो जाएगा, एंड चूंकि डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी करने वाली है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है आपको यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो जाए। तो सपोर्ट याद रखिएगा आपके लिए 84-85 के रेंज में सपोर्ट है, उसको आपको स्टॉप लॉस मान करके ट्रेड करना चाहिए अगर आप करते हैं तब। ओके, सो कंपनी का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उसको जरा चेक करेंगे। सो कंपनी ने देखिए आज के दिन में ये डेट देख सकते हैं, इन्होंने अनाउंस किया है और ये देख सकते हैं अनाउंसमेंट जो है यहाँ बताया जा रहा है कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेड्यूल की गई है 9 नवंबर 2023 को, 9 नवंबर 2023, जहां पर दे विल कंसीडर इंटरिम डिविडेंड इफ एनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो 2023-24 का वो अपना डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाले थे। ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट
शेयर्ड बाय द कंपनी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू का साइनिंग ऑफ। थैंक यू।